पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान हैज नो मनी फॉर इम्पोर्ट्स। पाकिस्तान्स डिसेंट इनटू टोटल केओस। थिंग्स आर बैड व्हेन पीपल स्टार्ट फाइटिंग फॉर फूड। फूड डिपार्टमेंट हैड रन आउट ऑफ इट्स वीट स्टॉक। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है। जिस तरह श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया था, पाकिस्तान के सर पे भी बैंकरप्सी का इस टाइम तलवार जो है वो लटक रही है, और इससे बचने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से लोन मिले और पाकिस्तान अपने कर्जों की किस्तें चुका सके। और पाकिस्तान इस वक्त अपने कर्जों को चुकाने के लिए कर्जा ले रहा है, तो ये बहुत एक ख़राब सूरत हाल है। आज से तकरीबन 50 साल पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क हुआ करते थे, और 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। जिस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से गरीब था, लेकिन आज 50 सालों के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अमीर मुल्क बन चुका है। और बांग्लादेश के फॉरेन रिज़र्व बहुत जल्द $50 बिलियन का जो मार्क है उसको टच करने वाले हैं, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व इस वक्त 3 से 4 बिलियन डॉलर के राउंड अबाउट हैं, और वो भी यूएई, सऊदी अरब और डिफरेंट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो कर्जे हैं उनको मिला के। मतलब कि पाकिस्तान के पास अपना जो ख़जाना है उसमें लोगों का मांगा तांगा पैसा है, और इस वक्त बहुत ख़राब सूरत हाल है। खाने पीने की जो अशियाँ हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से पाकिस्तान आज 75 सालों बाद भी इस क्राइसिस का शिकार है, जबकि पाकिस्तान से अलग होने वाला बांग्लादेश आज पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है और एक अमीर मुल्क की तरह सामने आया है। तो ये सारी डिटेल्स जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान हैज नो मनी फॉर इम्पोर्ट्स। पाकिस्तान्स डिसेंट इनटू टोटल केओस। थिंग्स आर बैड व्हेन पीपल स्टार्ट फाइटिंग फॉर फूड। फूड डिपार्टमेंट हैड रन आउट ऑफ इट्स वीट स्टॉक। द परफेक्ट स्टॉर्म वाज हवरिंग ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 साल के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है, और उसके बाद दी एंड। पाकिस्तान पिछले 75 इयर्स से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है? पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई कैसे, और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड, और ये है वीडियो नंबर 1। आप आगे के सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो होते काफी छोटे हैं लेकिन इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, Why is Pakistan begging for help? Point by point मुद्दे को समझते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आपने कुछ महीनों पहले ये वीडियो देखा होगा जहां पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों को चाय कम पीने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है और आज उनके पास चाय के इंपोर्ट्स चुकाने के लिए भी पैसे नहीं। पाकिस्तान में एसेंशियल चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो यूजली 4-6% रहता है, कई जगहों पर 30% तक पहुंच गया है। यानी जो चीजें पिछले साल 100 रुपए के लिए मिलती थी, आज वही सेम चीजें खरीदने के लिए 130 रुपए लगेंगे। अनियंस जैसी कॉमन चीजें आज 5 गुना महंगी है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि 8:30 के पहले सारी बत्तियां बुझा देनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। पाकिस्तान की एम्बेसी की वॉशिंगटन में एक प्रॉपर्टी है जो अब जाकर पाकिस्तान बेचना चाहता है, ताकि थोड़े से पैसे आए जिसका इस्तेमाल लोगों के लिए हो सके। इन शॉर्ट, पाकिस्तान पाई पाई जोड़कर पैसा बचा रहा है। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन से मदद मांग रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, शुरुआत से समझते हैं। चैप्टर 2, Reasons for economic crisis. पाकिस्तान back to back disasters का सामना कर रहा है। Political disasters, economic disasters और climate disasters भी। One by one तीनों points को समझते हैं। पाकिस्तान की political history full game of thrones है, जो इतनी interesting है that it deserves a video of its own. But आज के video में highlights समझते हैं। पाकिस्तान को आजादी हमारे साथ 1947 में मिली, लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, आजादी के 23 साल बाद। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, और इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी टर्म, दैट इज 5 इयर्स, कंप्लीट नहीं किए हैं। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर्स को अपने पोस्ट से निकाला गया, इधर करप्शन की वजह से या फिर एक मिलिट्री कू की वजह से। अभी रिसेंटली पिछले साल इमरान खान को अपने पोजीशन को टाटा कहना पड़ा। इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीतने वाले नेशनल हीरो थे,
जो एक नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद के साथ आए थे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उनकी सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ का निकनेम है पंजाब स्पीड, क्योंकि वो 4 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने पंजाब में एफिशिएंटली काम किया है। लोगों को उम्मीद है कि शहबाज शरीफ एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये नए पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो नए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती है। पिछले सरकार की नाकामी प्रूव करने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट डिसीजंस लिए जाते हैं जो इकोनॉमिक डिजास्टर्स एनकरेज करते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर्स पे। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी साल दर साल गिरती चली जा रही है और उनका कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि इस साल भी उनकी इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी और इन्फ्लेशन 23% से। उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं और इंपोर्ट्स 90 बिलियन के आसपास, यानी हर साल ऑन एवरेज $30 बिलियन पाकिस्तान कमाता है और 90 बिलियन स्पेंड करता है। इस बड़े गैप की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स तेजी से घट रहे हैं। पाकिस्तान का जीडीपी है $376 बिलियन का और उन पर कर्जा है $274 बिलियन का। ये लोन किसी के पापा ने दिया हुआ तो है नहीं, लोन पर बढ़ता है इंटरेस्ट और पाकिस्तान के हर साल के बजट का 1/3 हिस्सा इन्हीं लोन रीपेमेंट्स के लिए जाता है। यानी पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में अटक चुका है जिससे निकलने का एक ही जरिया है कि और कर्जा लो। अब आने वाले 3 महीनों में कुछ 8 बिलियन का कर्जा चुकाना है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ $5.8 बिलियन बचे हैं। सरकार जानती है कि खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई स्कीम निकालकर लोगों को सस्ता राशन देने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? बार बार बदलती सरकार की वजह से ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज खराब हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट डिजास्टर, जो काफी ट्रेजिक। पिछले साल पाकिस्तान के कई एरियाज में बाढ़ आई और नुकसान $30 बिलियन का हुआ। ये एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग देश के लिए काफी बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान ग्लोबल एमिशंस में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना बड़ा झटका पड़ा फ्रॉम दिस हैवी रेनफॉल। पाकिस्तान एक परफेक्ट स्टॉर्म सिचुएशन में है। 3 अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले इन प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। प्लस पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। पाकिस्तान 4 अलग अलग हिस्सों में बट सकता है। पाकिस्तान का अपनी जनता के ऊपर से कंट्रोल छूट सकता है। ये सारी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो हम हमारे इस सीरीज में कवर जरूर करेंगे। चैप्टर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। See, the story of Pakistan is far from over. आज पाकिस्तान प्रॉब्लम में जरूर है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऐसे देश है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की भलाई चाहते हैं। अलग अलग देशों और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स ने मिलाकर पाकिस्तान को $10 बिलियन डोनेट किया। ये कोई लोन नहीं, मदद है। और एक होप है कि ये पैसे करप्शन या मिलिट्री एक्टिविटी में नहीं, फ्लड रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में यूज होंगे। अभी अभी वॉशिंगटन से खबर आई है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद करेगा। और आपको तो पता ही है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं होता। ट्रेड वाइज भारत और पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेड होता नहीं है, दैट्स व्हाई इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट नेग्लिजिबल है। हैविंग सेड दैट, अपने पड़ोस में एक अनस्टेबल देश होना किसी भी देश के फायदे में नहीं होता। और अब श्रीलंका और पाकिस्तान दो नेबर्स एक इकोनॉमिक क्राइसिस से एक साथ गुजर रहे हैं। यहां इस इमेज को गौर से देखें, चाइना ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। चाइना की डेट ट्रैप स्ट्रेटजी के बारे में हमने बार बार वार्न किया है कि कैसे चाइना मदद का गाजर दिखाकर पूरे देश पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को टाइम पर IMF से मदद नहीं मिली तो चाइना हीरो के जैसे आएगा और पाकिस्तान की मदद करेगा और बदले में ऐसे फेवर्स मांगेगा जिससे अल्टीमेटली भारत का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान एक काफी इंटरेस्टिंग पायदान पे, और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। जी तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है शदीद माशी बहरान का शिकार है और इस वक्त खाने पीने की जो चीजें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस सब के पीछे पाकिस्तान की अपनी मिस्टेक है। पाकिस्तान में किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। इसी तरह से पाकिस्तान का जो ज्यादा बजट है वो डिफेंस में लग जाता है और करप्शन जो है इस वक्त बहुत अरूज पे। इसके साथ साथ लास्ट ईयर ही पाकिस्तान में एक जो फ्लड आया है उस फ्लड की वजह से $1 बिलियन का नुकसान हुआ है और उस फ्लड की रिलीफ के लिए पाकिस्तान को 15 से 16 बिलियन US डॉलर्स डोनेशन भी दी गई है जो कि अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिली है। और पाकिस्तान को अगर ये इमदाद मिल जाए तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नतीजा इसका यह है कि अब पाकिस्तान के खजाने में 3 से 4 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान ने अगले कुछ महीनों में $8 बिलियन जो है वो कर्ज़ा चुकाना है। और ये कर्ज़ा चुकाने के लिए पाकिस्तान मुख्तलिफ मुल्कों के सामने जाके
भीख मांग रहा है, यूएई, सऊदी अरब और इसके साथ साथ आईएमएफ से भी वहां से जाके लोन मांगा जा रहा है। और इमरान खान की एक हुकूमत जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही थी, 6% की ग्रोथ से वो पाकिस्तान को आगे ले जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक पीडीएम की करप्ट टोला है जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों को मिला के और एक करप्ट हुकूमत को पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया गया, जिस वजह से आज पाकिस्तान में ट्रस्ट लोगों का उठ गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया और पाकिस्तान की जो आवाम है वो इस वक्त इलेक्शन की डिमांड करे। लेकिन जिस तरह 1971 में शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए थे लेकिन उनको फिर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया था, इसी तरह से आज इमरान खान की पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी है, लेकिन उनके खिलाफ एक पीडीएम करप्ट टोला जो है उसको मुसल्लत कर दिया गया और इलेक्शन से भी डिले किया जा रहा है। और साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त एक अशराफिया जो है वो 75 सालों से पाकिस्तान की आवाम पे काबिज़ है, वो इस वक्त जुल्म की इंतहा पे उतरा हुआ और आवाम की बात को उसी तरह से इग्नोर किया जा रहा है जिस तरह 1971 में शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे लेकिन उनको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया और उसके नतीजे में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। आज अगर देखा जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर कंपैरिजन किया जाए, भारत तो बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है लेकिन बांग्लादेश भी अब $50 बिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान जो आज बैंकक्रप्ट खड़ा है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से गरीब मुल्क था लेकिन आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अमीर मुल्क बन चुका है और बांग्लादेश के रुपए को 2% बोला जाता था और किसी को डिग्रेड करने के लिए 2% का आदमी उसको बोला जाता था, लेकिन आज वो 1% भी पाकिस्तानी 2.5 रुपए के बराबर हो चुका है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इस माशी बहरान का शिकार है, जबकि भारत और बांग्लादेश और हमारे जो हमसाए मुल्क हैं वो तरक्की करते जा रहे हैं, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं जहाँ पे अशराफिया काबिज़ है ये कभी भी तरक्की नहीं कर पा रहे। तो आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, अपनी राय से मुझे कमेंट्स में आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।